हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हंडासा एंड मैं हूं गायत्री प्रजापति और हम लोग हैं गुवाहाटी आसाम से और हम लोग सिलेक्ट हुए हैं इंडिया डांस लीग के ग्रैंड फिनाले के लिए। जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आती है और हमेशा हमें प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना चाहिए और तभी हमें सक्सेस और अपनी मंजिल मिलेगी। और मैंने अभी तक बहुत सारा स्टोरी सुना है हर एक बड़े बड़े डांसर्स का, हर एक जन का। उनमें से एक स्टोरी मैंने अपना टीचर का भी सुना भंडार सर का, जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है अभी तक। और मैं चाहूँगी कि धनराज सर आपका यही स्टोरी हम सबको सुने। प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन डांस को लेके ऐसे सपोर्ट नहीं मिला। और मैं पहले डांस क्लास ज्वाइन किया था, कुछ प्रॉब्लम के कारण मेरे को छोड़ना पड़ गया। और दो तीन महीना तक मैंने ऐसा डांस क्लास खोजा जिसमें मेरे को फ्री में सीख सके, और वैसा मेरे को मिला। लेकिन एक क्लब में एक भैया, नवीन भैया करके सिखाते थे, ग्रुप प्रैक्टिस करवाते थे, लेकिन वो मेरा घर से 38 किलोमीटर दूर था और मेरे को वो उधर जाने के लिए 3-4 बस चेंज करके मैं जाता था। घर पे कुछ ना कुछ मैं बहाना देख के करता था, और उस बहाने से कुछ दिन तक चला वो बहाना। लेकिन वो उसके बाद मेरे को कुछ ना कुछ कारण के वजह से मेरे को छोड़ना पड़ गया उधर। और उसके बाद मैं YouTube से थोड़ा बहुत देख देख के प्रैक्टिस करता रहा, जितना हो सकता था मैं करता था। और एक मेरे को डांस क्लास मिला जिसमें मेरे को सिखाना ज्वाइन किया मैं सिखाने के लिए। और उसके बाद मैं खुद भी प्रैक्टिस करता था और सिखाता भी था उस डांस क्लास में। फ्री में वैसा नहीं था जो लाइक पेड होता था, उस फ्री में मैं सिखाता भी था और मैं खुद अपना प्रैक्टिस करता था खुद का। फिर धीरे धीरे मैंने भी डांस क्लास ज्वाइन किया था गुवाहाटी में, लेकिन वहीं यहाँ पे कोई इतना ट्रेन प्रोफेशनल नहीं है जो हम लोग को पूरा अच्छे से सिखा सके। यहाँ पे जस्ट ऐसे ही डांस करवाते हैं। फिर बाद में मैंने भी ज्वाइन किया, लेकिन वो 1 घंटे का क्लास था, वीक में 2 दिन। तो मैंने ज्वाइन किया 3 महीना का, लेकिन मुझे फिर नहीं लगा कि नहीं, मुझे और भी कुछ करना है डांस में। तो मैंने इनका नाम सुना था तब कि हाँ, एक धनराज सर है, वो जिमनास्टिक करते हैं और डांस सिखाते हैं, सब करते हैं। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया फेसबुक से, तो मैंने इनसे बोला कि हाँ, मुझे डांस भी सीखना है, जिमनास्टिक सीखना है, मुझे आगे बढ़ना लाइफ में कुछ करना है। तो धनराज सर ने मेरा बहुत हेल्प किया, उन्होंने मुझे फ्री में सिखाया, जहाँ वो क्लास करवाते थे वहाँ लेके गए। फिर हम लोग का धीरे धीरे ग्रुप भी बना, वो हम लोग का गुवाहाटी पूरा नॉर्थ ईस्ट में पहला कंटेम्प्रेरी ग्रुप था। हमने बहुत जगह रिप्रेजेंट भी किया वो ग्रुप को नॉर्थ ईस्ट लेके, नेशनल सर्टिफिकेट भी लाया हमने, लेकिन कुछ रीज़न से हम लोग का ग्रुप नहीं टिका और सिर्फ हम लोग दो बचे। फिर हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब ऐसे नहीं बैठना है, अगर ग्रुप से हम आगे बढ़ सकते हैं तो डुएट से भी क्यों नहीं। तो हमने डुएट किया, डुएट करते करते यहाँ पे भी हमें धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिला। बहुत जन ने पूछा कि आप लोग नेशनल्स क्यों नहीं, कुछ रियलिटी शो क्यों नहीं खेलते हो। तो वही, जैसा कि हम भी सबको वही कहना चाहते हैं, जैसे कि अभी सर ने कहा था लास्ट वीडियो में कि हर टीवी रियलिटी शो में आजकल हमेशा नोन फेसेस लेते हैं, अननोन को इतना वैल्यू नहीं मिलता। तो वही हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे इंडिया डांस लीग को कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, अननोन फेसेस को, वो लोग जो लोग मेहनत करते हैं, उन्हें मौका दे रहे इतना बड़ा, एक नेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करने का बात बहुत बड़ा बात है। थैंक यू सो मच। और प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कभी प्रॉब्लम कम है ज़्यादा है। फैमिली से भी अभी हमेशा ही प्रॉब्लम है कि हाँ, डांस में इतना इनकम नहीं है, डांस में कुछ नहीं है। वही हम लोग सबको प्रूफ करना चाहते हैं कि हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, हमें आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है कि लोग कह सके हाँ, इन्होंने भी कुछ कर दिखाया, डांस से भी किया, हमें डांस का नाम भी आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इंडिया डांस लीग। जय हिंद।